सैंडविच एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भूख लगी हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स देना हो तो आप ये झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मसाला सैंडविच। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिना सैंडविच मेकर के हम आज सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी के गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको हम फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक ही इनको हम फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इनको भी हम चला लेंगे। इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। हल्का सा इसमें कच्चापन रहेगा तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो साथ ही इसमें हम ऑरिगेनो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। मिला लेंगे इन सबको हम। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो ये लीजिए सब्जियाँ हमारी हल्की सी पक चुकी हैं। तो इसमें अब हम मैश किए हुए आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बॉईल किए हुए आलू ले लिए थे जिनको मैंने पहले से ही मैश करके रख दिया था। तो आलू को हम मसाले में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये लीजिए आलू मैंने अच्छी तरह से इसमें मिला दिए हैं। तो इसमें अब हम पनीर डालेंगे। पनीर के साथ सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन पनीर यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आपके पास पनीर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप पनीर यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो पनीर को मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम ब्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस ब्रेड के ले लिए हैं। तो इसमें हमने जो मसाला तैयार किया है उसको स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से मसाला हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। तो ये लीजिए 2 ब्रेड के ऊपर मैंने यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। तो दूसरी ब्रेड के साथ ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे। तो हल्का सा इसको हम ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम तवा ले लेंगे और तवे के ऊपर मक्खन डाल देंगे और मक्खन को फैला देंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड रख देंगे। तो ब्रेड रखने के बाद इसके ऊपर हम हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से हमारी जो ब्रेड है वो नीचे से अच्छी तरह से सिक जाएगी और थोड़ी सी क्रंची भी हो जाएगी। दूसरी साइड के पे भी हम मक्खन लगा देंगे। तो 1 मिनट के बाद इसके हम साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको हम सेक लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो दूसरी साइड से भी इस तरह से ऊपर से हम प्रेस कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको सिकने देंगे। तो 2-3 बार इसकी हम साइड चेंज करके इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। सेकते वक्त यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही ब्रेड को हम अच्छी तरह से सेकेंगे। तो ये देखिए ब्रेड जो है वो हमारी क्रंची हो चुकी है। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से हमारी ब्रेड जो है वो सिक चुकी है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद इसको हम उतार लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो ब्रेड है वो सिक कर तैयार हुई है। तो दूसरी ब्रेड को भी हम नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए दोनों ब्रेड यहाँ पे मैंने नीचे उतार ली है। इनको हम कट करेंगे। तो अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी हमारी मसाला ब्रेड बनकर तैयार हुई है। तो दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है ना। बनाना इसको बहुत ही आसान। तो जल्दी जल्दी से आप भी इसको इस तरह से ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो
तो होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। आप भी बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए और आप खुद भी खाइए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।